हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो जम्वाल व्लॉग्स और मेरा नाम है आयुष जम्वाल। तो आज हम जा रहे हैं श्रीनगर। तो अभी क्या हो गया कि अभी हम गए थे टैक्सी स्टैंड, तो वहाँ से मैंने जाना था टैक्सी में, तो पता चला कि रामबन वाली साइड कहीं पे पस्सी गिर गई है, तो वहाँ पे एक दो घंटा लग जाएगा उसको साफ़ करने में रोड को। तो देखते हैं यार, अब थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी बाज़ार में आ गए, थोड़ा सा काम था भाई को, तो ये वाला काम निपटा के तो फिर चलते हैं वापस से टैक्सी स्टैंड को, देखते हैं टैक्सी मिलेगी। तो साथ में टैक्सी भी नहीं मिल रही है, फुल हो गई है गाड़ियाँ, चलेगी सारी। तो एक अपना भाई है, वो भी जा रहा है श्रीनगर, वो कह रहा है कि भैया चलते हैं थोड़ी देर के बाद, 3-4 बजे निकलेगा वो, फिर हम रात को पहुँचेंगे, लेट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यार नहीं तो कुछ और करते, अगर जल्दी कोई जा सकता है तो देखते हैं आप कितने बजे पहुँचेंगे वहाँ पर। पर यार मेरे को जल्दी जाना था, मैं सोच रहा था कि अंधेरा होने से पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाता तो ठीक रहता। एक तो श्रीनगर आपको पता तो है, वहाँ पे ज़्यादा रात को पहुँचना भी कोई अच्छी बात तो है नहीं है, बंदा अगर जल्दी पहुँच जाए तो ठीक ही रहता है, वो एरिया कुछ ऐसा है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। तो मेरे को MH से गाड़ी मिल गई थी, मेरे को मेरा भाई छोड़ने आया था, तो फिर हम निकल गए थे। तो मुझे रास्ते में टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे और भी लोग थे। फिर हम नाशी टनल पहुँचे और वहाँ से निकले, फिर आगे जाके वो, फिर हम यार जाम में फंस गए, पीढ़ी के पास पहुँचे थे, तो फिर आगे बहुत ज़्यादा जाम लग गया। आपको आगे दिखा था, हमने खाना खाया था वहाँ पे, वो सामने एक ढाबा है, ये वाला जग्गू वैष्णो ढाबा पीड़ा, राजमा राइस देसी घी अनार दाने की चटनी। चटनी वैसे अच्छी थी और घी भी था, और मतलब अच्छा खाना था। यहाँ पे वो सामने ढाबा है गाड़ियों के पीछे, वहाँ पे आप आ सकते हो। 70 रुपये की हाफ प्लेट थी, फुल पता नहीं 100 की होगी शायद, तो अच्छे थे, खा सकते हो यहाँ पे आके आप, बहुत ही मज़ा आता है दायमा चावल खाने में यहाँ पे। और प्यारी सी लोकेशन है, जो जम्मू के लोग हैं उनको तो पता ही होगा इसके बारे में। तो यार अभी मैं तो आ गया हूँ, ड्राइवर भी आ गया है, एक दो बंदा और आ गया, एक है पता नहीं कौन है, दो बंदे हैं, वो अभी आए नहीं हैं। जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम निकल लेंगे यहाँ से, रास्ते में आगे जाम भी है शायद कह रहे थे, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखेंगे आस्ते आस्ते जाएंगे।
ज़्यादा टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए गाड़ी में बैठे बैठे, पता नहीं कितना जाम लगा हुआ है, आगे भी बहुत आगे तक जाम लगा हुआ है। देखते हैं अभी कब पहुँचेंगे श्रीनगर, मेरे को लगता रात ही हो जाएगी जाते जाते। तो तो बस यार अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे बनिहाल में, तो ठंड भी हो गई थी तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो बस अभी जहाँ पे मेरे को जाना है तो बस थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद अभी काफ़ी लेट भी हो गया, तो फिर अभी मैं ये वाला ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो फिर मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।